दोस्तों, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ अराजकता तो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके मानने न मानने से क्या होता है। इतिहास भी सनातन धर्म मंदिरों और पुराणों को ही पुराना बताता है। खैर दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ मंदिरों के बारे में। ये ऐसे मंदिर हैं जिनमें हिंदुओं के साथ साथ अंग्रेज, मुस्लिम और बहुसंख्यक समाज भी भगवान की पूजा करता है। दरअसल हम आज आपको अलग अलग देशों में बने हिंदू मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया भर से लोग देखने जाते हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो कि 100 से 150 साल पुराने हैं। दोस्तों, अगर आप भी विदेशों में बने इन मंदिरों को देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बाली द्वीप का तनहलोट मंदिर। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में तनहलोट मंदिर बेहद चर्चित मंदिरों में से एक है। तनहलोट का बाली भाषा में अर्थ होता है समुद्री भूमि। ये मंदिर बाली द्वीप के हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर बाली में एक विशाल समुद्री चट्टान पर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। ये मंदिर अपनी खूबसूरती के कारण इंडोनेशिया के मुख्य आकर्षणों में से एक माना जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसके शानदार आर्किटेक्चर को देखने आते हैं। 1980 में इस मंदिर की शिला भुरभुरी होकर झड़ने लगे थे, जिससे मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए जापान ने इंडोनेशिया की आर्थिक मदद की, जिसकी वजह से तनहलोट की चट्टान के करीब एक तिहाई हिस्से को आर्टिफिशियल चट्टान से ढककर एक नया रूप दिया गया। अब इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनते हैं। पाकिस्तान का स्वामी नारायण मंदिर। दोस्तों, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि पाकिस्तान में भी मंदिर है, लेकिन दोस्तों ये सच है। पाकिस्तान का स्वामी नारायण मंदिर दुनिया के सभी मंदिरों में बेहद खास मंदिर है। ये मंदिर कराची में स्थित है और ये पूरे पाकिस्तान का एकमात्र हिंदू मंदिर है। ये मंदिर 32,306 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर को अप्रैल 2004 में 150 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, इस मंदिर में मुसलमान भी पूजा करते हैं और ऐसे दृश्य कई बार देखे भी गए हैं। मॉरिशस का महेश्वरनाथ मंदिर। मॉरिशस की ट्राइलेट सिटी में बना हुआ ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्य कलाकारी और मूर्तियों के लिए मशहूर है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस मंदिर का सीधा संबंध भगवान शिवजी से है। दोस्तों, यहाँ पर स्थित शिवजी की मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर की स्थापना 1888 में कलकत्ता के एक पंडित द्वारा की गई थी। ये मंदिर मॉरिशस के केंद्र में पाई जाने वाली पवित्र झील गंगा तालाब की पहली तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये मंदिर इस द्वीप का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है, जिसमें कि आसपास के गोरे भी अपना सर झुकाते हैं। बांग्लादेश का ढाकेश्वरी मंदिर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक खास आकर्षण है। इस मंदिर को बांग्लादेश सरकार की धरोहर कहा जाता है। इस मंदिर को बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में होने वाले युद्ध में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में स्थित रमना काली मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद ढाका में ढाकेश्वरी देवी के इस मंदिर को सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। वैसे तो बांग्लादेश में और भी हिंदू मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर को ढाका के साथ साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध शक्तिपीठों का हिस्सा भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का शिव विष्णु मंदिर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्थित शिव विष्णु का मंदिर सबसे बड़ा और लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर में शिव जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई हिंदू इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में सभी हिंदू त्योहारों को मनाया जाता है। दिवाली में तो इस मंदिर को ऐसे सजाते हैं कि इस मंदिर की चकाचौंध से पूरा विक्टोरिया चमचमाता है। हरे कृष्ण इस्कॉन मंदिर, कैनबरा। दोस्तों, एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कैनबरा का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो भी यहाँ पर स्थित इस्कॉन मंदिर की वजह से। जी हाँ दोस्तों, कैनबरा को इस्कॉन मंदिर की वजह से ही जाना जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित कैनबरा में इस्कॉन मंदिर आइंसली नामक जगह पर स्थित है। अन्य जगह के इस्कॉन मंदिरों की तरह इस मंदिर को 7 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, जैसे बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रचारित करना, कृष्ण की चेतना का प्रचार करना, समाज के सदस्यों को एक दूसरे के साथ और कृष्ण के करीब लाना, भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक जप के संकीर्तन आंदोलन को सिखाना और प्रोत्साहित करना जैसे कई महान उद्देश्यों के लिए इस मंदिर को स्थापित किया गया है। और इस मंदिर के बनने के बाद इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति भी होने लगी है। न जाने कितने ही अंग्रेज अपना जीवन कृष्ण जी के नाम कर चुके हैं और उनके नाम का जप करते रहते हैं। अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, जो दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से बड़ा है। कंबोडिया में बना अंकोर वाट मंदिर करीब 500 एकड़ के विशाल भूमि पर फैला हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। अंकोर वाट मंदिर में सैकड़ों पत्थर के मंदिर और खमेर साम्राज्य के अवशेष शामिल हैं। ये सबसे बड़ा मंदिर परिसर 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अंकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था और बाद में ये एक बौद्ध परिसर बन गया। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत अंकोर वाट पश्चिम की ओर है। पुरातत्वविदों का मानना था कि अंकोर वाट केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक समाधि भी है।
सौरवर्मन के कुशल श्रमिकों ने सबसे बड़े धार्मिक परिसर के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री के रूप में केवल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया है। अंकोरवाट वास्तव में पवित्र मेरू पर्वत का चित्रण है। मंदिर का बीच का हिस्सा 65 मीटर की ऊंचाई पर चार छोटे छोटे टावरों से घिरा हुआ है। मंदिर के पश्चिम की ओर बने मुख्य प्रवेश द्वार में कई तरह की नक्काशियों की सजावट है। मंदिर के भीतर बलुआ पत्थर से बनी भगवान विष्णु की 3.2 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अंकोरवाट मंदिर का बीच का परिसर 3 मंजिला है। इस मंदिर की प्रत्येक मंजिल की गैलरी में कमल की कली के आकार के मीनारे भी हैं। बुद्धों की गैलरी में भगवान बुद्ध की सैकड़ों छवियां हैं। अंकोरवाट की भीतरी दीवार को भी हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण दृश्यों से सजाया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति की भगवान के प्रति सच्ची आस्था है तो उसे एक बार इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। मलेशिया का बाटू गुफा मंदिर। ये मंदिर मलेशिया के गोबांग में स्थित है। ये मंदिर जमीन से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के आंगन में 3 मुख्य गुफाएं और कुछ छोटी दीवारें हैं। सबसे बड़ी गुफा को कैथीड्रल गुफा या टेंपल केव के रूप में जाना जाता है। ये गुफा अपनी ऊंची छत के लिए जानी जाती है और इसमें हिंदू मंदिरों के अलंकृत विशेषताएं हैं। इसे देखने के लिए पर्यटकों को 272 डंडों वाली खड़ी सीढ़ी चढ़नी होती है। ये जगह हिंदू मूर्तियों और सनातन धर्म के लेखों से भरे हुए है। कुछ कारणों की वजह से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2008 में दोबारा इस मंदिर को खोल दिया गया। इस मंदिर में रामायण नाम की गुफा है जो कि करीब 50 मीटर लंबी है। इस गुफा में हनुमान जी की एक मूर्ति बनी है। इस मंदिर में भगवान मुरुगन की मूर्ति बनाई गई है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवान मुरुगन की मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में 3 साल का समय लगा था। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू की बागमती नदी के तट पर स्थित विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर है और यहाँ पर दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर दुनिया के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की लगभग 1 मीटर ऊंची 4 मुंह वाली प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर परिसर को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पवित्र बागमती नदी के किनारे सदियों से बने मंदिरों, आश्रमों, चित्रों और शिलालेखों का एक विशाल संग्रह मिलता है और इसे काठमांडू घाटी के यूनेस्को के पदनाम में 7 स्मारक समूहों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। पशुपति क्षेत्र में पशुपतिनाथ मंदिर के साथ साथ हजारों अन्य स्मारक, स्तूप, मंदिर और मठ करीब 652 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। दुबई का हिंदू मंदिर। दोस्तों, हाल ही में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। 5 अक्टूबर को हुए इस मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही ये मंदिर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। इस मंदिर को 2 चरणों में खोला गया है। पहले चरण में सिर्फ मंदिर के पूजा स्थल को खोला गया है जिससे पर्यटक अच्छे से पूजा अर्चना कर सके। दूसरे चरण के अंतर्गत मंदिर आने वाले लोग यहाँ शादी, हवन या निजी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। इस मंदिर में करीबन 1000 से 1200 लोग एक बार में आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये मंदिर कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इस मंदिर के बनने से लेकर इसके उद्घाटन तक गैर धर्म के कुछ लोगों ने बहुत टिप्पणियां की, लेकिन ये मंदिर आखिरकार बन गया और अब इसे यूएई की जनता के लिए खोल भी दिया गया है। इस मंदिर में रोज शेखों को भी पूजा करते हुए देखा जाता है। दोस्तों, समाज और इतिहास में इतने ज्यादा सबूत मिलने के बाद भी कुछ लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं जो कि काफी गलत है। खैर, इन भव्य और विशाल मंदिरों पर हमारी आज की पेशकश आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।